हेलो एवरीवन, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी काफ़ी सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल हो गया या मोबाइल का चार्जर हो गया, इन सब में क्या होता है, आपने देखा होगा मैक्सिमम कुछ कई सारे सिंबल्स मिलते हैं देखने को, तो वो सिंबल्स क्या होते हैं? देखो, आप किसी भी डिवाइस पे कोई भी सिंबल हो, उसका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। बस आपको ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। जैसे कि मैं अब आपको बताऊंगा, सबसे पहले ये आता है, ये सर्कल वाला, जो डबल सर्कल वाला सिंबल होता है, ये डबल सर्कल वाला सिंबल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में पाया जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि आपने जो डिवाइस परचेज किया है, इसके अंदर जो वायरिंग यूज हुई है वो डबल कोर में यूज हुई है। मतलब वो सिंगल कोर नहीं है, वो डबल कोर में यूज हुई है। मतलब डबल कोर इन द सेंस, उसके ऊपर एक कोटेड हुई है, डबल कोटेड है, ठीक है। तो अगर वायर बाहर निकल भी जाता है या फिर जहाँ पे उसकी सोल्डरिंग हुई है वहाँ से हट भी जाता है, कनेक्शन हट भी जाते हैं, तो तब भी आपको करंट लगने का खतरा नहीं है। इस सिंबल का मतलब ये होता है, ये डबल कोर सिंबल का मतलब अगर जहाँ भी मिले तो समझ जाना कि इसका मतलब यही है कि आपको करंट लगने का खतरा नहीं है। अब उसके बाद आता है ये होम वाला। होम वाले सिंबल का मतलब होता है कि ये जो डिवाइस है ये आपको होम बेस्ड यूज़ करना है, मतलब 230 वोल्ट पे यूज़ करना है, कहीं ऐसी जगह नहीं यूज़ करना जहाँ हाई करंट हो, या फिर आप हिल स्टेशंस पे चले जाएँ बहुत ज़्यादा जहाँ ग्रेविटी का इफेक्ट आता हो, वहाँ नहीं करना है, आपको घर पे यूज़ करना है। तो नॉर्मल यूज़ के लिए बनाया गया, होम यूज़ के लिए। इसके बाद आता है ये इस तरीके का सिंबल, जहाँ ये आपको देखो IS वो कुछ नंबरिंग करके है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो आपकी डिवाइस है ये ISI सर्टिफाइड है। मतलब आपकी जो डिवाइस है वो हर तरीके से टेस्ट हो चुकी है, इसकी क्वालिटी और सारी चीज़ें, इसके बारे में सब कुछ टेस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये जो डिवाइस है ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है, टेस्ट क्रॉस करके आया एक तरीके से। ये होता है वी सिंबल, ये हमें वी लगता है देखने में, बट ये क्या है, लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है वोल्टेज। ई सिंबल का मतलब ये नहीं होता वी, इसका मतलब होता है वोल्टेज। इसका मतलब ये 5 है, इसका मतलब ये है ये एक स्टैंडर्ड वोल्टेज 5 वोल्ट पे वर्क करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो टोटल प्रोसेस है वो 5 वोल्टेज के अंदर, DC के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ये क्रॉस का सिंबल, डस्टबिन है और वो क्रॉस है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डिवाइस है अगर ये आपका ख़राब हो जाता है करने के बाद, आपके लिए यूज़ का नहीं बचता है, तो आप इसको फेंकेगा नहीं, कंपनी को वापस कर दो ताकि कंपनी इसको रिसाइकल कर सके, और इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है।